हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वन प्लस मोबाइल में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को कैसे 100% फिक्स करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग होकर सभी ऐप्स आ जाएंगे। अब आप ऊपर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप यहाँ पर आ जाएगा। व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है, या फिर अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो नीचे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू पे मिल जाएगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, मैनेज नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर ये बंद रहेगा तो सबसे पहले यहाँ से इसे चालू कर देना है। चालू करने के बाद यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेना सही रहेगा, तो फिर आपको सिंपली बैक आना है। तो देखिए, नोटिफिकेशन वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सही तो हो चुकी है। इसी के नीचे एक और ऑप्शन है परमिशन का, परमिशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे चेक कर लेना है नॉट अलाउ या डेनी में क्या क्या है। तो यहाँ पर जो अलाउ नहीं रहेगा उस पर क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। देखिए, यहाँ पर सभी को आपको अलाउ कर देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सभी को अलाउ कर दिया। अब आपको सिंपली बैक आना है। और देखिए, सेटिंग में जाने के बाद अगर यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम आ रही है, ऐप मैनेजमेंट वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऊपर सर्च बार में क्लिक करके लिखेंगे ऐप, तो यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप क्लिक करके चेक करना तो यहाँ पर ऐप लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए, वहीं पर आप आ जाएंगे। अब गाइस, इतना सब कुछ करने के बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, या रिबूट या रीस्टार्ट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस, आप अपने प्ले स्टोर को एक बार ओपन करना और सर्च बार में क्लिक करके व्हाट्सअप सर्च कर लेना और चेक कर लेना अपडेट है कि नहीं है। अगर अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ से अपडेट कर लेना। फिर गाइस, जो भी प्रॉब्लम रहेगी 100% सही हो जाएगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।